हाय क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो, सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए पॉइंट दिया हुआ है 5 1 एंड बी दिया हुआ है 1 5, देन प्रूव डेट एक्स इक्वल्स टू वाई। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान से देखना है। देखो पहले फिगर बनाते हैं इसकी। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी, और ये दोनों पॉइंट हमको गिवन है 5, 1 और बी पॉइंट हमको दिया हुआ है 1, 5। इनके बीच में कहीं पर पी कोई पॉइंट लाई कर गया जिसका डिस्टेंस यानी पी का ए से भी इक्वल है, यानी ए पी इक्वल है और बी से भी इसका डिस्टेंस इक्वल है यानी पी बी। इतनी बात समझ में आ गई, ये लिखेंगे हम गिवन, ठीक है। तो थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया करो आप, फिगर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब पी के हम कोऑर्डिनेट लेक्ट कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हमने लेक्ट कर लिए है से, यहाँ पर ये एक्स वाई है। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन वाई वन बन जाएगा। तो क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हम ए पी डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं। तो देखो आप इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर आता है, आंसर सेम आएगा। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, डेट इज वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब पी बी का डिस्टेंस भी वैसे ही निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स टू वाई टू, ये बन जाएगा एक्स वन वाई वन, समझ गए ना मेरी बात। तो 1 माइनस एक्स करेंगे या एक्स माइनस वन करेंगे की बात है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। फिर यहाँ पर आएगा प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट। अभी हमको रूट हटाने हैं, ये किसकी वैल्यू है ए पी की, ये किसकी वैल्यू है बी पी की या पी पी की, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है पूरी बात लिख लेना वी हैव। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा, यहीं कर दूँ थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो यहाँ जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्वांटिटी क्या बचेगी मेरे पास, ये बचेगी x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी माइनस के 2ab में कितना आ जाएगा, माइनस के 10x आएगा, ठीक डायरेक्ट मैंने कर दिया। यहाँ से आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, दैट इज माइनस के 2y इंटू 1 में, तो 2y आएगा इक्वल टू में। फिर करते हैं ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है जी, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x आ गया। फिर प्लस यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस के 2ab, दैट इज माइनस के 2 इंटू 5 10y। अब देखो सुनो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, और क्या क्या कैंसिल हुआ देखो, 25 प्लस का 25 प्लस का कैंसिल, समझ में आ रहा है। और देखो क्या कैंसिल हुआ, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ से वो देखते हैं। देखो यहाँ से बचा माइनस के 10x और बेटा यहाँ से बचा माइनस के 2y, ठीक है राइट हैंड साइड में देखो माइनस के 2x बचा और यहाँ से बचा माइनस के 10y, क्योंकि हमको x लेफ्ट हैंड डाल रहा है और ये राइट हैंड डाल रहा है, तो x x एक तरफ सेपरेट करते हैं, y y एक तरफ करते हैं। तो देखो यहाँ से माइनस के 10x, ये माइनस के 2x जब इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा 2x, ठीक, इधर कितना बचा माइनस के 10y, और ये माइनस के 2y जब उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा 2y। अब सुनो मेरी बात, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ से बचेगा माइनस के 8x और यहाँ से बचेगा माइनस 10y प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8y, ठीक है माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया बेटा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई हैंस प्रूफ्ड। अगर समझ में आया प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, लाइक्स नहीं आ रहे हैं सब्सक्राइब करो, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, मेरे को भी मोटिवेट करो ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ को आपके पास पहुँचाता रहूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं भी मोटिवेट नहीं होऊंगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें।